जमियत उलेमा और अल्पसंख्यक विकास कमेटी ने बिल्किस बानो रैप केस के आरोपियों की सजा माफी के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया है। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रियाजुद्दीन शेख के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर उक्त फैसले को वापस लेने की मांग की है। शेख ने बताया कि जिस तरह निर्भया के हत्यारों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था, उसी के तर्ज पर इंसानियत के नाम पर कलंक इन सभी हत्यारों को भी फांसी की सजा सुनाई जाए। जिन तथ्य को उच्च न्यायालय ने ध्यान में रखा है कि 2002 के गुजरात दंगों में आरोपियों द्वारा बलात्कार और हत्या कर दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हम 15 अगस्त 2022 को इस दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले का विरोध करते हैं और विनम्रता पूर्वक राष्ट्रपति जी से उनकी माफी को रद्द करने और उन्हें जेल में डालने का अनुरोध करते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमने बिल्किस जहां जो 2002 दंगे में उसके साथ 11 लोगों ने बलात्कार और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया था, इसके पश्चात वहाँ की उच्च न्यायालय ने उन आरोपियों को 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके खिलाफ हम आज यहाँ पे राष्ट्रपति जी से मांग करने आए हैं कि उन्हें पुनः जेल में डाला जाए और जिस तरह निर्भया के हत्यारों को फांसी की सजा दी थी, उसी तर्ज पर इनके साथ भी इंसाफ करके इन्हें भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन शेख, प्रदेश उपाध्यक्ष जमियत उलमा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।